अलगाववादी नेताओं के खिलाफ एक्शन के मूड में केंद्र सरकार। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने अलगाववादियों के साथ आतंकियों जैसा पेश आने की बात कही, जल्द हो सकती है कार्रवाई। और सेक्स स्कैंडल में फंसे दिल्ली के पूर्व मंत्री संदीप कुमार को राहत, संदीप कुमार के खिलाफ दिल्ली पुलिस को नहीं मिला सबूत। और जीएसटी में बड़ा बदलाव करने की तैयारी में केंद्र सरकार, कर की दरें स्थिर करना चाहती है केंद्र सरकार। और बिंदु खत्ता के लोगों की मांगों के सामने हारी रावत सरकार, बिंदु खत्ता को नगर पालिका से हटाने का दिया आश्वासन। अल्मोड़ा में ऐतिहासिक नंदा देवी मेले का शुभारंभ, गोविंद सिंह कुंजवाल ने किया मेले का आगाज। नमस्कार, हिमालयन्यूज.com में आपका स्वागत है, मैं हूं आपके साथ कुमार मधुकर। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं अब तक की बड़ी खबरों के साथ। कश्मीर में शांति बहाली की कोशिशों में अड़ंगा लगाने वाले अलगाववादियों के खिलाफ मोदी सरकार सख्त होती दिख रही है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हंसराज अहीर ने कश्मीर में अलगाववादी नेताओं की सभी सुविधाएं वापस लिए जाने के मुद्दे पर कहा कि आतंकियों और अलगाववादियों को एक ही चश्मे से देखने की जरूरत है, उनके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। मोदी के मंत्री इतने पर ही नहीं रुके, उन्होंने अलगाववादियों के साथ आतंकवादियों जैसा सलूक किए जाने की भी पैरवी की। उन्होंने पूर्व गृह सचिव आरके सिंह की मांग को सही ठहराया। सिंह ने अलगाववादियों को जेल में डाले जाने की मांग की थी। अहिर ने कहा, संविधान के दायरे में सरकार अलगाववादियों के खिलाफ कार्रवाई करेगी। और सेक्स स्कैंडल के केस में फंसे दिल्ली के पूर्व मंत्री संदीप कुमार के खिलाफ पुलिस को अभी तक कोई सबूत नहीं मिला है। उन पर आरोप लग रहा है कि वो जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। दिल्ली के पूर्व मंत्री संदीप कुमार के लिए राहत भरी खबर आई है। चर्चित सेक्स सीडी कांड की जांच में लगी पुलिस को अभी तक विधायक संदीप कुमार और उनके साथियों के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला है। यही वजह है कि अभी इस मामले की जांच में कुछ भी साफ नहीं हो पाया है। सूत्र के मुताबिक दिल्ली के पूर्व मंत्री संदीप कुमार के सहयोगी प्रवीण और महिपाल के खिलाफ भी पुलिस को जांच में अभी तक कोई सबूत हाथ नहीं लगा है। अभी तक किसी अन्य महिला ने भी संदीप के खिलाफ कोई शिकायत पुलिस को नहीं दी है। पुलिस का कहना है कि संदीप कुमार जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। पुलिस ने संदीप के कब्जे से कुछ डिजिटल डिवाइस बरामद किए हैं, जिनमें उनका मोबाइल फोन भी शामिल है। वहीं डिवाइस की जांच की जा रही है। हालांकि पुलिस को अभी तक वह गैजेट नहीं मिला है जिसे सेक्स वीडियो शूट किया गया था। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बुधवार को कहा कि जीएसटी एक बड़ा बदलाव लाने वाला कदम है, इससे कर की दरें स्थिर होंगी और उसे नीचे भी लाया जा सकेगा। वित्त मंत्री ने कहा कि दरें इतनी रिवेन्यू न्यूट्रल होनी चाहिए जिससे फिलहाल केंद्र और राज्यों के रिवेन्यू का जो स्तर है उसे ठीक से बरकरार रखा जा सके। उन्होंने कहा कि कर की दरें अब भी ठीक है जिससे करदाताओं पर कोई अनुचित बोझ नहीं पड़ रहा। सरकार 1 अप्रैल 2017 से जीएसटी लागू करना चाहती है। आजादी के बाद अप्रत्यक्ष कर क्षेत्र में इसे सबसे बड़ा सुधार माना जा रहा है। इसके लागू होने से देश में सामान और सेवाओं का आवागमन आसान हो जाएगा। संसद ने जीएसटी विधेयक को 8 अगस्त को पारित कर दिया था। उसके बाद सबसे पहले असम ने इसका अनुमोदन किया था और 1 सितंबर तक कुल मिलाकर 16 राज्य विधानसभाओं में जीएसटी विधेयक के अनुमोदन प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई थी। संविधान संशोधन विधेयक होने की वजह से इसे 50% राज्य विधानसभाओं से बिल को मंजूरी मिलनी जरूरी थी। सूबे के मुखिया हरीश रावत को आखिरकार बिंदु खत्ता की जनता की मांग के सामने हार मानना पड़ा। हरीश रावत ने बिंदु खत्ता नगर पालिका से हटाने का आश्वासन दिया है। जब से बिंदु खत्ता को नगर पालिका बनाया गया है तब से स्थानीय लोग इसका विरोध कर रहे हैं। स्थानीय लोग बिंदु खत्ता को नगर पालिका बनाए जाने से नाराज थे। लोगों की मांग थी कि बिंदु खत्ता को नगर पालिका से हटाकर राजस्व गांव बनाया जाए, जिस पर राज्य सरकार ने हामी भर दी है। हरीश रावत ने आश्वासन दिया है कि बिंदु खत्ता को नगर पालिका से हटाया जाएगा। वहीं इस खबर के आते ही अखिल भारतीय किसान महासभा के लोगों ने नगर में जुलूस निकालकर खुशी मनाई। हालांकि इसे राज्य सरकार का चुनावी आश्वासन के रूप में भी देखा जा रहा है, क्योंकि आने वाले कुछ महीनों में विधानसभा के चुनाव होने हैं। ऐसे में राज्य सरकार की तरफ से मिला एक चुनावी स्टंट भी हो सकता है। पौने 2 साल के बिंदु खत्ता के किसानों के संघर्षों की जीत है। ये तमाम पत्रकारों, बुद्धिजीवियों और इस संघर्ष को समर्थन देने वाले जो हमारे तमाम शुभचिंतक न सिर्फ बिंदु खत्ता में बल्कि लाल कुआं से लेकर के पूरा नैनीताल जिला, उत्तराखंड और पूरे देश भर से जिन भी लोगों ने इस पूरे आंदोलन को नैतिक और सक्रिय समर्थन दिया, उन सब की जीत है। इसलिए सबसे पहले तो मैं सब लोगों को जो है इस आंदोलन की सफलता के लिए, नगर पालिका की वापसी के लिए सब लोगों का आभार व्यक्त करता हूं। नगर पालिका जो वापस सरकार को लेनी पड़ी है, ये यहाँ की जनता के संघर्षों और के दबाव में जो है नगर पालिका वापस ली, और आगे हम लोगों का जो संघर्ष वो जारी रहेगा। मुकदमे जो 47 लोगों पर लगे हैं उनकी वापसी तक। अल्मोड़ा में ऐतिहासिक नंदा देवी मेले का शुभारंभ हो गया है। मेले का शुभारंभ स्पीकर गोविंद सिंह कुंजवाल ने किया। ऐतिहासिक नंदा देवी महोत्सव का आगाज हो गया है। ये महोत्सव 11 सितंबर तक चलेगा। गोविंद सिंह कुंजवाल ने दीप प्रज्वलित कर महोत्सव का शुभारंभ किया। इस मौके पर उनके साथ संसदीय सचिव मनोज तिवारी, जिला पंचायत अध्यक्ष पार्वती मेहरा सहित कई गणमान्य लोग मौजूद थे। महोत्सव में कई सांस्कृतिक टीमें हिस्सा लेंगी। आज
माँ नंदा देवी के मेले का शुभारंभ हो रहा है। ये हमारे इस अल्मोड़ा जनपद की बहुत पुरानी परंपरा है और हमेशा मेला बड़े धूमधाम से यहाँ मनाया जाता है। मैं इस मेले से जुड़े हुए सभी लोगों को अपनी ओर से शुभकामना देता हूँ और लोगों से अपील करता हूँ जो हमारी पुरानी परंपरा है उसको कायम रखने के लिए उसके अनुसार हम काम करते रहें, आगे बढ़ते रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ ये मेला हमारा बहुत अच्छे से संपन्न हो। मसूरी में क्षेत्र पंचायत की बैठक में ग्राम प्रधानों ने जमकर हंगामा किया और बैठक का बहिष्कार कर दिया। बैठक में गांव की समस्याओं को लेकर चर्चा हो रही थी, लेकिन गांव में विकास नहीं करने का आरोप लगाते हुए ग्राम प्रधानों ने बैठक का बहिष्कार कर दिया और जमकर नारेबाजी की। बैठक ग्राम प्रधानों और ग्राम पंचायतों की तनातनी का भेंट चढ़ गया। हमारी ग्राम सभा में कितना अच्छा काम हुआ, प्रधान काम भी करते, प्रधान के पीछे जनता भी पड़ती और अधिकारी भी लोग पड़ते हैं। ऐसे हम अपना अधिकार अपना करेंगे, हमारे लिए हमें कोई नहीं चाहिए। को कमजोर करने के लिए ऐसा षड्यंत्र रच रही है जिसमें समझता हूँ दलालखोरी डायरेक्ट की जा रही है। और मैं इसके साथ साथ जो अभी सदन के अंदर जिला विकास अधिकारी महोदय हैं, मैं कहीं ना कहीं समझता हूँ कि जिस ढंग से वो बात रख रहे कहीं ना कहीं वो भी ग्राम पंचायतों को कमजोर करने में इस षड्यंत्र में शामिल है। मसूरी के सेंट मेरी अस्पताल में एक बड़ी लापरवाही देखने को मिली है, जहां एक घायल महिला करीब आधे घंटे तक अस्पताल के बाहर घायल अवस्था में तड़पती रही, लेकिन कोई भी मदद को नहीं आया। सेंट मेरी अस्पताल मसूरी का सबसे बड़ा अस्पताल है। लोग यहां उम्मीद लेकर आते हैं कि यहां आकर उनका इलाज हो जाएगा, लेकिन यहां से एक बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहां एक घायल महिला अस्पताल के बाहर आधे घंटे तक तड़पती रही, लेकिन अस्पताल का एक भी अधिकारी महिला को भर्ती करने नहीं आया। वहीं जब लोगों ने हंगामा किया तो अस्पताल प्रशासन हरकत में आया और महिला को इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया गया। दरअसल मंगलवार देर रात मसूरी कैंपटी रोड पर एक कार अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरी, लेकिन रात होने की वजह से किसी को पता नहीं चला और कार में सवार दो लोग गंभीर हालत में खाई में पड़े रहे। वहीं सुबह जब ग्रामीणों ने देखा तो तुरंत ही उन्हें बाहर निकाला और पुलिस को इसकी सूचना दी, लेकिन जब पुलिस नहीं आई तो ग्रामीणों ने खुद ही उन्हें सेंट मेरी अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन वहां भी अस्पताल प्रशासन की लापरवाही के कारण घायलों को इलाज मिलने में देरी हुई। कल रात को 10 बजे के करीब हुआ और किसी को मालूम भी नहीं पड़ा रात को ना, तो सुबह जब चिल्लाने लगे हो तो गाड़ी वालों ने देखा, फिर इकट्ठे हुए वहाँ के सब, पुलिस भी आई है, ग्रामीण लोग इकट्ठे, फिर ग्रामीण लोगों की सहायता से ऊपर लाया गया। अभी आप यहाँ पर बड़ी मुश्किल से लेकर आए, आप पत्रकार है तो क्या माना जाए? मैं सर अपनी कार में लाया, पर्सनल कार में लाया, एम्बुलेंस भी एक घंटे पहले फोन कर दिया था, लेकिन मसूरी से मुश्किल से 10 मिनट लगता है एम्बुलेंस को कैंपटी हॉल जाने के लिए, लेकिन एम्बुलेंस भी समय पर नहीं आ पाई और मैं अपनी कार में लाया। फिर दो या तीन लोगों को उस लेडीज को उठा के अंदर ले जाना पड़ा, तो वहीं पे जो वो है डॉक्टर साहब है या कंप्यूटर है वो हमें अखबार पढ़ते हुए नजर आए। हमें ये नहीं समझ में आया कि कब से कि एक आदमी तड़प रहा है और आप कैसे अखबार पढ़ सकते हैं, कैसे आप ऐसे काम कर सकते हैं, कैसे आप अपने स्टाफ को पूरा नहीं कर रहे, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पहाड़ खत्म हो गया, वो खाई आ गई, खाई नहीं आगे दिखाई नहीं दिया, बैंडेजिंग तो कर दी, उसके बाद हम नीचे गए। कहाँ से डॉक्टर कहाँ जा रहे थे? टेरी से आ रहे, राकोत्सव जा रहे थे। अच्छा, टेरी से आ रहे थे। नहीं, एक्चुअली मैं अभी अभी सिविल हॉस्पिटल से आ रहा हूँ, क्योंकि वहाँ का चार्ज भी मैं देख रहा हूँ। और दूसरी बात, मुझे ये पता चली कि एक हमारा जो वार्ड बॉय है मॉर्निंग को, उसका ऑपरेशन के लिए गया है वो दून हॉस्पिटल में, इसलिए उसने 5-7 दिन की छुट्टी ले रखी है। मेरे पास जो है इस समय फोर्थ क्लास में मैन पावर की बड़ी कमी है, जैसे हमारे वार्ड बॉय की कमी है, वार्ड आया की कमी है। बाकी आप लोगों के साथ मैं नीचे गया हूँ तो लैब वहाँ पे भीड़ भी थी जो मेडिसिन लेते हैं, एंड जो लैब टेक्नीशियन है वो अपने काम कर रहे थे। गन्ना के बकाया भुगतान को लेकर किसानों के द्वारा प्रदर्शन के दौरान दर्ज किए गए मुकदमे को वापस लेने की मांग को लेकर किसानों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। रामनगर के किसानों को 2012 के गन्ने का भुगतान नहीं हो पाया है, जिसको लेकर किसान कई बार प्रदर्शन भी कर चुके हैं, लेकिन सरकार द्वारा अभी तक उनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया है। इसी से नाराज किसानों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार पर निशाना साधा। किसानों ने आरोप लगाया है कि सरकार किसानों की अनदेखी कर रही है। वहीं किसानों ने कहा कि वो SDM के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपेंगे और किसानों पर लगे मुकदमे को वापस लेने की मांग करेंगे। उसमें 2007-08 का 15 रुपए के हिसाब से जो सुप्रीम कोर्ट में केस गया था, वो पेमेंट भी शीघ्र भुगतान के लिए कहा गया था, वो पेमेंट हमारी आज तक नहीं हुई। उसके बाद 11-12 का लगभग 32 करोड़ रुपया हमारा किसानों का काशीपुर मिल प्रबंधन द्वारा रोका गया। कई बार हम पूर्व CM बहुगुणा जी से मिले, हरीश रावत जी के पास 2 बार गए, लेकिन हमारे किसानों की कोई मांग उसमें नहीं मानी गई, बल्कि मिल प्रबंधन ने मिल बंद करके वो यहाँ से जा चुका है। क्षेत्र में गन्ना किसानों का लगभग 32 करोड़ रुपया गन्ना मिल काशीपुर बकाया है,
जो कि सन 2011-12 से बकाया है, उस गन्ने की भुगतान को लंबे से मांग कर रहे हैं। 3 वर्ष से हम लोग लगातार इस मांग को कर रहे हैं कि गन्ने का भुगतान किया जाए, लेकिन कहीं ना कहीं पर सरकार के स्तर से ये गलती की जा रही है कि गन्ने का भुगतान नहीं किया जा रहा है। ऋषिकेश में एक निजी कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी के गुरु परमात्मानंद स्वामी ने शिरकत की। ऋषिकेश में एक निजी कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे परमात्मानंद, जहां उन्होंने केंद्र सरकार की नमामि गंगे प्रोजेक्ट की तारीफ की। उन्होंने कहा कि केंद्र की इस योजना से गंगा को स्वच्छ और निर्मल बनाया जा सकेगा। इसके लिए एक जन आंदोलन होना चाहिए, लोगों को नमामि गंगे योजना के बारे में और भी जागरूक करने की जरूरत को उन्होंने बताया। गंगा जी का संरक्षण के लिए जन आंदोलन होना चाहिए, जैसे स्वच्छता अभियान की तरह गंगा की रक्षा करने हम सबका कर्तव्य है, वो कार्य होना चाहिए। और जितने एसटीपी हैं उसको सरकार को कार्यान्वित करने चाहिए। रुद्रप्रयाग के विजयनगर में एक बड़ा हादसा हो गया। मंदाकिनी नदी में एक लड़की डूब गई, जिसकी तलाश में प्रशासन अभी भी जुटी हुई है। रुद्रप्रयाग के विजयनगर में मंदाकिनी नदी पर बना पुल टूट जाने से लोगों को काफी परेशानी हो रही है। ये पुल 17 जुलाई को ही टूटी थी, लेकिन आज तक ये पुल नहीं बन पाया है। बावजूद इसके आज भी प्रशासन आंखें मूंदे बैठा है। वहीं आज दोपहर पुल के ऊपर से एक ट्रॉली गुजर रहा था, तभी ट्रॉली खुल गया, जिसके कारण उस पर सवार एक लड़की नदी में बह गई। डूबी हुई लड़की का नाम प्राची बताया जा रहा है। वहीं घटना की सूचना मिलते ही आसपास के लोग इकट्ठा हो गए और प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया। वहीं इस पूरे मामले पर प्रशासन ने चुप्पी साध रखी है। कुछ दिन पहले भी जो है हमारे कुछ बच्चे इस ट्रॉली पास स्कूल के बच्चे फंसे थे, इसको जो है पुलिस ने रेस्क्यू करके निकाला उन बच्चों को, और ये जो है बहुत बड़ी परेशानी का सबब बन चुका है ट्रॉली। प्रशासन ध्यान नहीं दे रही इस तरफ, यहाँ पर जल्द से जल्द पुल का निर्माण होना चाहिए। तो ऐसे अपने घटना आज जो घटना हुई है, इसके जिम्मेदार कंप्लीट रूप से प्रशासन और हमारी वर्तमान सरकार है। राष्ट्रीय पोषण सप्ताह के अवसर पर लाल कुआं के आंगनबाड़ी केंद्रों पर पोषण सप्ताह का आयोजन किया गया। पोषण दिवस के अवसर पर बच्चों और महिलाओं ने जन जागरूकता रैली निकाली। रैली के माध्यम से लोगों को कुपोषण के प्रति जागरूक किया गया। कार्यक्रम में 3 साल तक के बच्चे का वजन किया गया और पोषक आहार भी दिया गया। साथ ही गर्भवती महिलाओं को पोषण आहार खाने और स्वस्थ रहने के टिप्स दिए गए। केंद्र में प्रत्येक माह 5 तारीख को राशन वितरित किया जाता है, जिसमें महिलाएं, गर्भवती महिलाएं, धात्री महिलाएं और 0 से 3 वर्ष के बच्चे, 6 माह से 3 वर्ष के बच्चे आते हैं और उन्हें पोषाहार वितरित किया जाता है। लेकिन हर साल सितंबर में 1 से 7 सितंबर राष्ट्रीय पोषण सप्ताह मनाया जाता है, तो उसके अंतर्गत हम सब आंगनवाड़ी केंद्रों ने मिल करके संयुक्त रूप से कई कार्यक्रम आयोजित किए। ये आंगनवाड़ी केंद्रों में मनाया जाता है, लेकिन आज ये सामूहिक रूप से 1 से 7 सितंबर तक मनाया जा रहा है, जिसमें गर्भवती महिलाओं को और बच्चों को प्रत्येक माह, वैसे तो 5 सितंबर को दिया जाता था भोजन, और अब इस बार का नाम ये संयुक्त रूप से मनाया जा रहा है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए हिमालय न्यूज़.com।